सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्लाइम। और मैंने पहले भी स्लाइम बनाई थी। पहले हमने बोरिक एसिड और फेविकोल से स्लाइम बनाई थी, और अब की बार हम बनाने वाले हैं मिसवाक, कोलगेट और फेविकोल से स्लाइम। और अगर आपको पिछली वाली मेरी स्लाइम देखनी है जो कि मैंने फेविकोल से बनाई थी, आपको उसकी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो स्लाइम बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको चाहिए होगा फेविकोल, एक स्पून मिसवाक कोलगेट, थोड़ी सी शुगर और एक छोटा सा बाउल। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक छोटा सा बाउल, और अब आपको चाहिए होगा कोलगेट। थोड़ा सा आपको अपने बाउल में कोलगेट ले लेना है। सो फ्रेंड्स, हमने अपने बाउल में थोड़ा सा कोलगेट ले लिया है, और अब आपको चाहिए होगा फेविकोल। सो फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा फेविकोल भी ले लिया है, और अब आपको चाहिए होगी थोड़ी सी शुगर, और आप शुगर थोड़ी थोड़ी करके डालें। सो फ्रेंड्स, अब जो हमने ये पेस्ट तैयार करा है, आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, जो हमारा कोलगेट है और फेविकोल है, स्लाइम में आना तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, जो हमारा कोलगेट है और फेविकोल है, वो स्लाइम बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, जो हमारी स्लाइम है, अब हम अपनी स्लाइम को दूसरे बाउल में ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा हमारी स्लाइम एकदम रेडी है, और हमारे हाथों पे चिपक भी नहीं रही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारी स्लाइम है वो सिर्फ कोलगेट, फेविकोल और सिर्फ थोड़ी सी शुगर से बनी है। आप भी इसे अपने घर पे बड़े ही आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।